सारी आइटम तंदूरी से लेके तो नीचे नान सैंडविच तक 25 रुपए में मैं दूंगा। समोसा है, दो तावा रोल है, दो चिकन पठानी रोल है, एक फ्राई, मतलब 100 रुपए में आदमी पेट भर के इफ्तारी कर सकता है। तो जोर जुम्मा हो गया है, उसके बाद अभी मैंने बोला था जुम्मा है तो कुछ इंटरेस्टिंग तो करूँगा। तो अभी बज रहे हैं 4:30, अभी इफ्तारी का स्टॉल लग जाता है यारी रोड पर। मैं जा रहा था यारी रोड पर, वहाँ पर इफ्तारी का स्टॉल लग जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे छोटे भाई के साथ में। आपको अस्सलाम वालेकुम गाइस, जुम्मा मुबारक। देख सकते हो अभी 4:30 पर हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी का सामान लेने यारी रोड पर। सब स्टॉल आपको वहाँ जाकर हम लोग बताएंगे गाइस। सुन लिए, अभी वहाँ पर जाके सब स्टॉल के बारे में बताएंगे और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, केटरर्स वाले हैं क्या नहीं, सब बताते हो स्टॉल के बारे में। तो वहीं अभी मैं और मेरा छोटा भाई आ चुके हैं इधर स्टॉल के पास में। तो अभी सबसे पहले मैं फराज केटरर्स के पास जाऊँगा, वहाँ जाके उनकी जितनी भी रोज़े की आइटम्स है वो सब चेकआउट करते हैं। फराज केटरर्स यही रोड का सबसे पुराना केटरर्स, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग और फेमस केटरर्स है। तो अभी यहाँ पर जाएंगे फराज केटरर्स में। जैसे कि ये देखते हो फराज केटरर्स का बोर्ड लगा हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। भाई कभी से चालू होता है फराज ये? 3 बजे चालू होता है। और इस तरीके कभी तक रहता है? खाली रहता है 7 बजे। इफ्तारी तो 7 बजे देता है। माल कब तक ख़त्म हो जाता है आपका? माल ख़त्म हो जाता है 6:30। माशाल्लाह। तो ये क्या क्या आइटम है भाई? कबाब है, मटन कबाब है, कबाब है। ये कितने में पड़ती है भाई? कितने की पड़ती है? 12 रुपये की एक। 12 रुपये की एक कबाब है। तो ये मटन शाही कबाब 45 लिखे लेते। और ये क्या आइटम है? ये मटन कटलेट 50। मटन इधर हो ना यार, तुम उधर क्या खड़े हो? तुम इधर हो, मेरे को जरा समझाओ, वीडियो में समझाओ। इधर फरहत भाई नहीं आए? बोलिए सर। सलाम वालेकुम। फिर सलाम, क्या नाम आपका? सलाउद्दीन भाई। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मेरा इसको तो पहचानते रहे तुम मुझे को, तो मैं इसके आया और अपने को बताओ यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलती है और कितने बजे से चालू होता है अपना ये? यहाँ पर 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बहुत सी वैरायटी है, जैसे कीमा, ये सब, ये मटन कटलेस है, मटन कोली कबाब है, सामी कबाब है। ये मटन कटलेस है, सब मटन का आइटम? हाँ, ये मटन। और चिकन में क्या क्या? चिकन में ही है ये चिकन कीमा कटलेस। इसका क्या प्राइसिंग वगैरह वो भी बता दो। इसका 50 रुपीज़ है मटन कटलेस का, और इसका सामी कबाब का 45 है, और ये 72 रुपीज़ का हाफ दर्जन है। ओके, और इसके बाद अपने को ये सब कौन सी कटलेस है? ये क्रिस्पी है, ये क्रिस्पी है। हाँ, क्रिस्पी चिकन। ओके, हाँ, और ये कीमा कटलेस है। कीमा कटलेस और क्रिस्पी चिकन है। तो क्रिस्पी और कीमा कटलेस तो एकदम लाजवाब लग रहे हो, खाने के बाद अपन देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या क्या? लॉलीपॉप और समोसा। समोसा काफ़ी छोटा दिख रहा है, समोसे में क्या क्या? कीमा, चिकन कीमा, समोसा, चिकन कीमा, चाइनीज समोसा। ये चाइनीज समोसा, दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें नूडल्स है, इसमें नूडल्स है, इसमें कीमा है चिकन। अच्छा, इसमें कीमा है और इसमें नूडल्स है, चाइनीज आइटम में। अच्छा, और ये क्या आइटम है? चटनी का वहाँ पे 30 रुपये का पर पीस है। और ये दोनों क्या पीस है? 25 रुपये का चाइनीज है, 30 रुपये का कीमा है पर पीस। पर पीस, हाँ। ओके, इफ्तार बॉक्सेस वगैरह भी मिलते हैं आपके पास? इफ्तार बॉक्सेस का उधर पूरा देखो, इफ्तार बॉक्सेस वहाँ पे पूरा लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ ये सब क्या आइटम है। पॉकेट चिकन है, भाजी की स्टफिंग होती है अंदर। अच्छा, ये पॉकेट चिकन है, कीमे का ये भी। ओके, उसके बाद शाही रोल, इटालियन रोल। ये तो सब फ्राई आइटम्स हो गए। चिकन शाही रोल, चिकन शाही रोल क्या रेट में मिलेगा? 45 का। और इटली का 50 रुपीज़ का है। उसके अंदर बर्फी कबाब है, भी नया आइटम है। ये बर्फी कबाब है, नया आइटम है। इसके अंदर क्या रहेगा? चीज़ है उसके अंदर भी, चीज़ और चिकन का कीमा है। एकदम मस्त नया चैनल चालू किया। हाँ, इसके साथ में मिलके अभी मेरा क्या बात है। तो फराज आपने को पता है फुल रसिक है। हाँ, ये तो अपना भाई गूगल एड्स है हमारा। क्या कहते हो फराज भाई, बताओ अपने कैटरर्स के बारे में कुछ बताओ। अपना काफ़ी पुराना है, 30 साल पुराना है माशाल्लाह कैटरिंग। और माशाल्लाह ये स्पॉट पे हम लोग कम से कम 30 साल से काउंटर लगा। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, हर साल आता हूँ, मैं सोचता कुछ बार, लेकिन इंशाल्लाह मैं बोला एक बार फराज भाई के पास बना ही लेके। तो फराज भाई अपना कभी से चालू होता है और कब तक रहता है अपना पूरा स्टॉक? 2:30 बजे से चालू होता है। 2:30 बजे से चालू हो जाता है, मतलब 2:30 बजे से जिसको इफ्तारी का सामान चाहिए वो आके ले सकता है। ओके, और शाम के 6:50 बजे, 6:30-7 बजे तक खत्म हो जाता है। 6:30 जब तक इफ्तारी का अजान हो जाए जब तक खत्म हो जाता है माशाल्लाह। तो पूरे 300 दिन रहेगा ना? हाँ। तो आप लोगों को अगर इफ्तारी का कुछ भी सामान चाहिए, फराज कैटरर्स वन ऑफ द बेस्ट कैटरर्स है, इसका टेस्ट भी लाजवाब है। आओ यही रोड पर, यहाँ पर मेन यही रोड पर, ये मदीना मस्जिद है, इसके सामने लगा हुआ है।
मेरे ओपन फरहत कैटर्स का इतना बड़ा बोर्ड है यहाँ, और यहाँ पे फरहत भाई से मिलो, और इंशाल्लाह प्राइस भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है, टेस्ट भी ला जाओ। और अपने पास क्या क्या आइटम है ये तो सब देख लिया, ये सब कीमा समोसा और रशियन रशियन का खत्म हो गया। बताएंगे तुम्हारे क्या क्या आइटम है, समोसा तो आपको बताया मैंने वहाँ का, सेम ये लखनवी सीख है, इसके अंदर कुछ चीज़ आता है, ये स्प्रिंग रोल है चिकन का, ये लखनवी सीख और इसके स्प्रिंग रोल है, ये भी नया आइटम है, मायनोस सीख रोल है, इसमें सीख और मायनोस, ये मायनोस सीख रोल है, इसमें सीख और मायनोस, ये भी चिकन का आइटम है, चिकन का आइटम है, चिकन का आइटम, इसके मुँह में पानी आ रहा है, क्या है इसके बाद पठानी सीख है, पठानी सीख है एक फ्राई में है, ये एक फ्राई में मिलेगी, ये क्या प्राइस में मिलेगी, 65 रुपीज़ का, ये 65 रुपीज़ में मिलेगी, 65 रुपीज़ में इतना बड़ा पीस मिलेगा, रोल आइटम तवा आइटम भी मिल जाएगी, भजा रोटी फ्राई भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको, अगर आपको चाहिए तो यहाँ आओ, रोल आइटम भी लेके जाओ, इफ्तारी के लिए, रात के लिए, रात तक, रात को भी मिलता है खाना, रात के 11 बजे मालपुआ भी है माशाल्लाह। अभी तवा आइटम तो देख लिया, अभी आई मालपुए की बारी, और इफ्तार बॉक्स के बारे में बताओ मुझे भाई, इफ्तार बॉक्स में देखो तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है 149 में मिनटेड इफ्तार बॉक्स, ये पर पर्सन के लिए है, इसमें 2 चिकन रशियन कटलेट, 1 चिकन सा, इसका मैं फोटो पूरा डाल दूंगा ब्लॉग के अंदर, आप इसको कैप्चर कर लेना, और यहाँ पे QR कोड भी है, इसको स्कैन करके आप यहाँ पे ऑर्डर भी दे सकते हो। अभी आते हैं रबड़ी मालपुआ, जलेबी मालपुआ विद रबड़ी के पास। भाई कितने ऑमलेट का मालपुआ है भाई? 170 रुपये का। और कब तक रात को रहेगा? 11 बजे तक रात को रहेगा। कब से चालू हो जाएगा ये? शाम के 7 बजे से, अभी से शाम के 7 बजे से चालू हो जाएगा और रात के 11 बजे तक, 12 बजे भी किसी को क्रेविंग होगी तो देखे ना, और कोई मेरा वीडियो देख के आएगा तो फरहत भाई स्पेशल डिस्काउंट ना मालपुए में इंशाल्लाह, तो आओ यहाँ पर फरहत भाई को मिलो, इंशाल्लाह आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, प्राइस में भी अच्छा और खाना भी अच्छा है। आओ अपन अब जाते हैं अख्तर भाई के पास। आप अख्तर अंकल, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास चिकन तवा रोल है, पैदा रोटी, साटे चिकन, चिकन क्रिस्पी, चिकन तवा रोल, चिकन लॉलीपॉप, ड्रम स्टिक फ्राई, पठानी रोल, ये पठानी रोल, ये लखनवी सीख, चिकन स्प्रिंग रोल। सर अख्तर भाई सलाम अलैकुम, खैरियत है? अख्तर भाई कुछ बता रजा केटर्स के बारे में, रजा केटर्स कभी से है और कभी से लगा रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग यूट्यूब पे डालूंगा इंशाल्लाह। ओके, हमारा केटर 2002 से है माशाल्लाह, साल 2024 यानी 22 साल हो गए माशाल्लाह। यहाँ पे स्टॉल जो हमारा लगा रहे हैं 15 साल से स्टॉल लगा रहा कंटिन्यूसली, बहुत बड़ी बात होती है 15 साल से स्टॉल लगाना एक ही जगह पर, बिना विद कंपटीशन, आजू बाजू भी कंपटीशन, सामने भी कंपटीशन है माशाल्लाह। तो अगर मैं बताओ क्या क्या चीज़ आपके पास, ये कौन सी आइटम है और क्या चीज़? शेजवान स्टीक, हाँ, और ये है चिकन तवा रोल, चिकन बैदा रोटी, तवा आइटम भी मिलेगी, मतलब 2 आइटम वहाँ यहाँ भी मिलेगी माशाल्लाह। ये कितने की है तवा रोटी, बैदा रोटी और रोल? ये 50 रुपीज़ का है। 50 रुपीज़ का रोल, रोल भी 50 रुपीज़ का। साठे और ये सब का क्या प्राइस रहेगा? साठे 35 रुपीज़ है, क्रिस्पी 35 है, लॉलीपॉप 25 है, ड्रम स्टिक 60 रुपीज़ है, ड्रम स्टिक 60 रुपीज़। यहाँ पे जीपे भी है, पठानी रोल है, जीपे पेटीएम, जीपे पेटीएम सब लेते हो, कैश भी लेते हो? कैश लेते हो? हाँ कैश भी लेते हैं। और लखनवी स्टीक है, चिकन एक फ्राई स्टीक है, अच्छा स्प्रिंग रोल है, ये सब क्या प्राइस में मिलेगी? ये कितने का रोल? 40 रुपीज़। ये 40 रुपीज़, ये रोल 40 रुपीज़ का मिलेगा, ये 40, अच्छा ये 40, ये 35, 30 है, यानी रोल 40 रुपीज़ का मिलेगा। और ये क्या आइटम है? ये नवी आइटम हंगामा कबाब है, हंगामा कबाब, इसके अंदर क्या रहेगा? कंडे चिकन आ रहा है, पूरा चिकन रहेगा, चीज मस्का मिलेगा। और ये कितने में पड़ती है? 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ है माशाल्लाह। कुछ नया आइटम देखने को मिले हर रमजान में, रोल समोसा खा के थक गया था, कुछ नया आइटम? सब वैरायटी आइटम है। और क्या क्या आइटम है बॉक्सिंग में? क्या क्या बॉक्सेज में? क्या क्या बॉक्सेज में? हलीम है, कुछ नया लेके आया हलीम, हलीम कितने का है? हलीम में क्या है? 150 रुपीज़। ये 150 रुपीज़ का पड़ेगा, ये डब्बा 150 रुपीज़ का पड़ेगा हलीम में। चिकन का हमारा स्पेशल हलीम है, हैदराबाद चिकन, 150 रुपीज़ का पड़ेगा बिल्कुल। और ये कब तक मिलेगा हलीम, कब तक मिलेगा? अभी सब ऑर्डर रहते हैं, ये भी इफ्तारी तक पूरा खत्म हो जाएगा जी बिल्कुल सर। रात तक कुछ आइटम है जो? रात तक नहीं, रात तक कुछ नहीं, हम इफ्तारी का काउंटर लगा देंगे। ठीक, ओके।
तो अभी ये देख लिए, अभी यहाँ पे इनकी जो मेन इफ्तार की आइटम है वो देखते हैं, कटलेट समोसा। समोसा और कटलेट क्या बोल रहे हैं कितने का मिलेगा? ये अंडे वाला कटलेट रशियन 20 रुपीज़ का, ये चाइनीज समोसा है 10 वाला, ये है कीमा कटलेट, नरगिस कबाब। मतलब 100 रुपए में एक आदमी पेट भर के इफ्तारी कर सकता है। आपके पास कोई इफ्तारी बॉक्स वगैरह है? हाँ है ना बॉक्स, इफ्तारी बॉक्स भी। इफ्तारी बॉक्स में क्या आइटम है और वो कितने का? बॉक्स में एक बॉक्स है आपका 249 रुपीज का, उसमें है 2 कटलेट है, 2 समोसा है, 1 पठाई रोल है, 2 लॉलीपॉप है और 1 बाजार रोटी। 1 बाजार रोटी 249, मतलब इतना सबको 249 में मिल जाएगा। और उससे दूसरा कोई ऑप्शन? दूसरा फिर 449 में, 449 में चार आदमी, 499 का, 499 का है, 999 का भी, वो भी इतना बड़ा डब्बा। कितने लोग के लिए हो? 6 लोग के लिए। ये कितने वाला है? ये 100 रुपये में इतना बड़ा इफ्तारी बॉक्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर यही रोड पर आओ, रजा गेट पर आओ, देखो यहाँ पर रजा गेट का बोर्ड लगा हुआ है। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा। 499 का जो बॉक्स है, 2 चिकन कीमा कटलेट है, 2 चिकन समोसा है, 2 तवा रोल है, 2 चिकन पठाई रोल है, 1 फ्राई ठीक है, 2 1 बैदा रोटी है, 2 फिरनी है, आलू चना रगड़ा ओनली 1। मतलब सिर्फ 2 लिखा है लेकिन खाएंगे 4 आदमी। माशाल्लाह। 999 में 4% है, 4 चिकन समोसा, 4 चिकन कीमा कटलेट, 2 रशियन कटलेट, 2 सीख मेही रोल, 2 बैदा रोटी, 2 तवा रोल, 2 पठाई रोल, 4 1 फ्राई स्टिक, 2 हंगामा कबाब, 1 डबल मालपुआ, 1 चना रगड़ा। डबल मालपुआ भी मिलेगा इसके साथ 999 में। माशाल्लाह, 999 का बॉक्स इससे बड़ा रहेगा, मतलब ये 499 का तो इससे बड़ा 999 का बॉक्स है। 999 में तो पूरे फैमिली को दावत दे सकते हैं, मतलब इतना खा सकते हैं। तो मालपुआ आपका रात तक कितने बजे तक मिलेगा? मेरे पास तो 7 बजे तक ही रहता है। 7 बजे तक ही रहता है, रात के 9 बजे बस इतना ही रहता है। ऑर्डर भी चले जाते हैं, बहुत सारा ऑर्डर रहता है, मतलब 7 बजे तक रहेगा तो मिलेगा। उसके बाद भी अगर रहा तो, मतलब अगर आप इफ्तारी के लिए मालपुआ लेंगे, रात के लिए भी आपको इफ्तारी में लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आप पहले आओ और मालपुआ लो। पूरा बोर्ड दिखाया मैंने रजा के एड्रेस का, सुपर वाइड में ले लिया पूरा एड्रेस भी बता दिया, हमें तुम्हारा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो कैटरर्स का है तो पूरा कैटरिंग का भी करते हैं, हमें बहुत पहले से पहचान था। तो अगर कैटरिंग का कैटरिंग करते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र, हाँ ओनली मुंबई नहीं, अलवर महाराष्ट्र में तो आधा इंडिया, महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर भी गुजरात, औरंगाबाद, कर्नाटक, गोवा, पूना, सब जगह हम कैटरिंग करते हैं पूरा सेटअप। और महाराष्ट्र और कितने भी आदमी का खाना सब कितना भी, नो लिमिट। पर प्लेट क्या रेंज रहेगा अप्रोक्सीमेटली चिकन का? यहाँ पे अगर मिनिमम करना है मुंबई के लिए तो मिनिमम 300 रुपीज़ है, मिनिमम 300। अच्छे से अच्छा खाना, हाँ अच्छा खाना। तो केटरिंग का भी करते हैं अक्तर अंकल रजा के एड्रेस में। आप अगर केटरिंग का भी, आपको शादी का फंक्शन या कोई आपका इंस्टाग्राम पेज भी डालता है, तो आप अख्तर भाई को कॉन्टैक्ट करो और उसके आपको कैटरिंग का भी ऑर्डर देना, तो उससे कॉन्टैक्ट करके आप उसको ऑर्डर दो इंशाल्लाह। चलो अख्तर भाई मिलता हूँ इंशाल्लाह। नहीं अख्तर का 12 का कुछ बोला तो नहीं, देखो क्या इसको मत दो, इसको कुछ बोला नहीं। पढ़ाई करता ना, अभी सिक्स में हो। जजा कल्ला बोल, ठीक है जजा कल्ला। वीडियो बना के बात कर, अभी अंकल से बात कर। हमारे पास ओनली चिकन है, हमारा ओनली चिकन आइटम चिकन अपने चिकन रोल है ना ये वाला बेटा, चिकन चिकन रोल है, चिकन साटे है 100 रुपए में, 100 रुपए में चिकन मलाई साटे है, चिकन त्रेड है, चिकन कबाब है, ये अपना चिकन कटलेट है, ये रशियन कटलेट है, ये गुलाब खास है, ये पटाई कौन सा रोल है यार, चीज़ रोल है ना, ये पठानी रोल है ये वाला, शामी कबाब है,
गुलाल कांडी है, वो अंडा अंडा चिकन कांडी है, एक तेज आलू है, सौ रुपए में चार है भाई, सौ रुपए में चार, कोई भी आइटम लो सौ रुपए में चार है, सौ रुपए में चार, कोई भी आइटम लो सौ में चार, कोई भी आइटम लो ये बंगाल के पास हाई रोड पर मदीना मस्जिद के सामने हमारा ओनली चिकन है, हमारा ओनली चिकन आइटम, मटन की आइटम नहीं मिलेगी, ओनली चिकन खाओ, सौ रुपए में कोई भी चार आइटम लेगा, कब तक इतनी तक रहेगा, इस तारीख के बाद भी मिलेगा, रहता है ऐसा कभी तो रहेगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा ऐसा ऑर्डर वगैरह रहेगा, आपको बाद में ऑर्डर करना कोई उसके बाद ही मिल जाएगा, स्पेशल बिरयानी नहीं है, अरे बिरयानी खत्म हो गया ना, बिरयानी भी थी, बिरयानी था, चिकन पुलाव था, वेज वेज बिरयानी थी, सब खत्म हो गया, अभी बंगाल का रोज का स्पेशल पुलाव और बिरयानी रोज देखता हूं, माशाल्लाह आप लोगों का मैं रोज देखता हूं, बोला ये भी अभी होनी चाहिए इंशाल्लाह, ईद के दिन इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, ईद के दिन तो छुट्टी रही है बच्चों लोग की, तीन दिन के बाद आराम से आएंगे, तीन दिन आराम करके आएंगे फिर, ठीक है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी वहाँ से निकल के थोड़ा आगे बढ़ते हुए लाराज कॉलेज के सामने हम आए यारी जायका के इफ्तार काउंटर पे, यारी जायका के रेस्टोरेंट पे, अस्सलाम वालेकुम, भेजे थे क्या नाम है रिशद भाई, क्या क्या अपने पास आइटम और कभी से चालू हो जाती है, चार साढ़े चार बजे से चालू होता है, इफ्तारी तक सब आवाज मिलता है, तो अपने पास क्या क्या आइटम, पहले 5 मिनट तक पूरा खत्म हो जाता है माशाल्लाह, इतनी जल्द तेजी अपने पास में, तो बताओ क्या क्या आइटम है, पालक की भजिया है, आलू भजिया है, आलू का भजिया है, साबूदाना भजिया है, ये क्या आइटम, रगड़ा है, रगड़ा है, रगड़ा कितने का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 20 रुपीज़, 20 रुपए का, 20 रुपीज़, अच्छा, और भजिया कितने का मिलेगा, भजिया किलो के हिसाब से बेचते हैं, 300 रुपए किलो लगाते, और अगर अपने को मिक्स चाहिए तो लूज ना मिलेगा, मिक्स में आपको जैसा मतलब भजिया खाने का मन है तो भजिया भी मिल जाएगा, अपने पास कैश जीपे सब अवेलेबल है, और ये क्या, चिकन भुना रोल, चिकन भुना रोल है, सब पे टैग लगा हुआ है, MRP दिया हुआ है, कितने का है, चिकन शावरमा है, ज्यादा लेंगे या 10 रुपए कम लेंगे, अरे 10 रुपए तो कम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन चीज़ माशाल्लाह अच्छी लग रही है, ये मेरी गारंटी है, मैं खुद खाया हुआ, ये क्या है, चिकन कुरकुरे का कुछ नया लग रहा है, नहीं आइटम इसमें क्या है, पूरा रिफिलिंग उसका चिकन का अंदर माशाल्लाह, और चिकन क्या गुलाब खास है, कितना 40 रुपये चीज़ होता है और चिकन होता है, चीज होता है चिकन होता है, अपना रेस्टोरेंट का भी तक चालू होता है रात को रमजान में, रात में 12:30 टाइमिंग अपना चाहिए, 12:30 रात को 1:30 बजे कुछ खाने का मन हो, 1:30 बजे खाने का नहीं दे सकता, कीमा मेरे पास रहता है मटन कीमा, अगर सहरी के लिए मांगता है लेट लेट मैं 2 बजे तक दे सकता हूँ आपको, मटन कीमा, मटन कीमा 2 बजे तक पैक होता है, पैकिंग होता है ऑलरेडी, वो आपको 150 रुपए का आएगा, सहरी में कीमा खाने का मन है तो इधर आओ रात को 2 बजे, अगर 1:30 बजे भी क्रेविंग हो रही है तो 1:30 बजे तक दे देंगे, यस 2 बजे तक ग्लास दे सकता हूँ, 2 बजे तक ग्लास दे देंगे, अपने पास ये क्या आपका सहरी के लिए, मटन सहरी के लिए रमजान बाद में, रमजान बाद, रमजान बाद, ओके, और अपने पास ये क्या आइटम है, चिकन में, चिकन समोसा है, चिकन स्टिक है, ये क्या रेंज में मिलेगा, 30 रुपीज का है, महंगा है नहीं कुछ, और समोसा कितना, समोसा 20 रुपीज चिकन का, समोसा चिकन का 20 रुपए का, और ये कटलेट भी, चिकन कटलेट 20 रुपीज, 20 रुपीज के, अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबल, यस, कुछ भी इतना महंगा नहीं है कि रमजान में रेट बढ़ जाता, सब बढ़ा देते, बराबर रेट में है, और इफ्तारी तक का मिल जाएगा, ये बेस्ट सहूलत है, और अपने रेस्टोरेंट की क्या खास बात है एकदम भाई, आप आके देखोगे तो मैं अपना बच्चा है, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा कि भाई मेरा अच्छा है, सब सामान अच्छा है, आप आओ एक बार इंशाल्लाह, आगे देखो मेरे को आशिम भाई की जगह, आशिम भाई दूसरी होटल पे गए, अभी आएंगे, तो अपना दूसरा भी स्टॉल है उधर, वहाँ पर भी चलो, वहाँ पे भी इस तरीके से, वहाँ पर भी जाओ, वहाँ पे भी जाता हूँ इंशाल्लाह, वहाँ पर भी रिव्यू आओ इंशाल्लाह, चलो इंशाल्लाह भाई मिलता हूँ, बहुत बहुत जजाकअल्लाह, अभी यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ से जाएंगे यारी छोटे मियाँ के पास में, यारी छोटे मियाँ के पास, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, छोटा ब्लॉगर भी आ गया यारी रोड पे, अभी तू ही बना सर मिल जाएगी, तो इफ्तार में सब कुछ अवेलेबल है, कैमरा कहाँ है आपका, हाँ ये ऊपर, अरे बराबर अभी दिख रहा है, सब कुछ है अपने पास, आप क्या पसंद करेंगे, देखो नान सैंडविच है, नान सैंडविच है, लॉलीपॉप है, रोल है, आइटम है, रोल है, जोर से बोलो, मसाला आलू है, फिर बेटर रोटी है, फिर इफ्तार मिल बॉक्स है, ये 20-20 रुपया सब,
एनी फ्राई आइटम ओनली 20 रुपीस, कोई भी आइटम 20 रुपए, एनी फ्राई आइटम ओनली 20 रुपीस। यही रोड पे छोटे में आप जाओ, कोई भी फ्राई आइटम 20 रुपए में। और कुछ अपने पास स्पेशल इसमें क्या? अभी बिल बॉक्स देखो, 100 रुपए में 6 आइटम है, 100 रुपए में 6 आइटम इसके अंदर आएगी। ये पूरा बॉक्स अगर किसी को भी दोगे डायरेक्ट खजूर डाल के खाने का, एक आदमी के लिए। 500 वाला है, 250 वाला है, 500 में 17 पीस है इसके अंदर। बड़ी बड़ी वैरायटी, जैसे पैदा रोटी 60 रुपए की एक है अपनी, उसके अंदर दो पैदा रोटी, दो रोल, बाकी पूरा 17 आइटम अलग से 7 रुपए। माशाल्लाह, ये 17 आइटम, ये कितने का पड़ेगा बॉक्स? ये 500 वाला है, ये 500। 13 आइटम जिसमें है वो 250 रुपए का, ये 250 रुपए। हाँ, ये 5 आइटम वाला 100 रुपए का, 5 आइटम 100 रुपए का। ये इसमें कितने आइटम है? इसमें 17 है पूरे, 17 पीस। माशाल्लाह, जब ये काफी 250 रुपए में 3 आदमी के लिए हो जाएगा। तंदूरी अपने पास में ऑफर में है, तंदूरी एक तंदूरी 250 रुपए की, दो तंदूरी 400 रुपए की, एक तंदूरी 250 रुपए की, दो तंदूरी 400 रुपए की। फुल तंदूरी कितने की? फुल तंदूरी 250 रुपए की, तो एकदम पानी के भाव में तंदूरी। आप आओ यारी रोड पर, आओ यारी छोटे में। अगर ना यारी छोटे में के बारे में कुछ बताओ, कितने टाइम से छोटे में? 24 साल से लगातार ताज़ा फ्रेश खिला रहा है। 24वां रमजान इंशाल्लाह ये जा रहा है, अगला सिल्वर जुबली हम मनाएंगे 25वां। सिल्वर जुबली में कुछ उस टाइम पे एक ऐसा ऑफर रहेगा कि हर एक आइटम एक दिन सिर्फ 25 रुपए में रहेगी। सिर्फ अभी अगले साल का ऑफर अभी से बता देता हूँ कि एक दिन के लिए सारी आइटम तंदूरी से लेके तो नीचे नान सैंडविच तक 25 रुपए में मैं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 25वें साल पे सिर्फ 25 रुपए में। कोई भी आइटम लेके जाओ अगले साल पे, यानी एक साल का वेट करो। और अभी आ रहे हो तो अभी 20 रुपए में मिल रही है, 100 रुपए में 6 आइटम मिल रही है। तो ऐसा अंकल इंशाल्लाह मैं आता हूँ रोजे बाद। रोजे बाद अपने पास क्या क्या मिलेगा? रोजे बाद अपने पास में आपको तंदूरी टिक्का, लेग, सीख कबाब, नान सैंडविच, भुना उना सब। और ये हमारे छोटे ब्लॉगर को हम अपने लिए क्या है, ये हमारी तरफ से आपको हदिया गिफ्ट। जुगाड़ हो गया उधर भी, इसको मिल जाएगा। तो अभी वहाँ से चलते 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 यारी जायका के मैं दूसरे स्टॉल पे आ गया, जिसका अपने दोस्त का ये तो मुझे दोस्त पे जाके आते यारी जायका सेंट्रल, वो वाला था मेन यारी रोड पे, ये ऑफ यारी रोड पे मंगल नगर। नीचे इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आते हैं हाशिम भाई के स्टॉल पे। हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई? मैं वो स्टॉल पे जाके आया, माशाल्लाह वहाँ पे तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। अभी यहाँ पे अपने पास क्या क्या आइटम है वो बताओ। और अपने पास इधर भाई रशियन कबाब है। हाँ, अपने पास ये तिल पालक वाली चिकन की कबाब है। क्या प्राइस मिलेगी? ये मिल जाएगी तुमको 30 रुपए की। 30 रुपए में मिल जाएगा। चिकन समोसा कितना? चिकन समोसा कीमे वाला है, ये मिलेगा तुमको 20 रुपए का। 20 रुपए में भाई ये कुरकुरे कबाब है। चिकन कुरकुरे कबाब, वहाँ भी चिकन कुरकुरे कबाब। इसमें क्या क्या कंटेंट है, आइटम क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बीच में तुमको शेजवान सॉस रहेगा और ऊपर से कीमे की कोटिंग और कुरकुरे रहेगा। ये है चीज वाली कबाब है, ये इसमें चीज और चिकन का कीमा रहेगा। ये आपको 40 रुपीस की एक मिलेगी। 40 रुपीस की एक मिलेगी जी भाई। और इफ्तार बॉक्स वगैरह में? इफ्तार बॉक्स वगैरह बन जाएगा अगर आप बोलोगे तो, 500 रुपीस तक का बन जाता है। उसमें आपको सारी चीजें दो दो पीस आ जाती है, सारी चीजें दो दो खजूर आ जाएगा और उसमें आपको फिरनी आ जाएगी। मतलब इफ्तारी करने के लिए प्रॉपर एक बॉक्स बन जाएगा विद खजूर और फिरनी, और ये सारी में दो दो पीस सब आ जाएंगे। और ये साटे भी है? साटे भी है अपने पास, भुना रोल भी है। ये आपको चिकन कांडी मिल जाएगी, इसमें 3 पीस आएंगे आपको, ये 30 रुपए की एक मिलेगी। चिकन क्रिस्पी है, साइज देखो, ये चिकन क्रिस्पी है, ये आपको 40 की एक मिलेगी। माशाल्लाह 40 रुपीस की एक। चिकन कटलेस है, ये भी आपको मिल जाएंगे। मतलब 100 रुपए में आदमी पेट भर के इफ्तारी कर सकता है, कर सकता है। ये नरगिस कबाब है, इसके अंदर बॉयल अंडा रहेगा बीच में। अच्छा, ये आपको 30 रुपीस की एक। बॉयल अंडे को फ्राई करके दी हुई है। अपने पास स्पेशल क्या आइटम है? स्पेशल आइटम अपनी मलाई बोटी है। मलाई बोटी का ये कुछ नई आइटम है। ये क्या, इसमें क्या कैसे बना देते हैं? ये पूरा पहले तंदूर होएगा और फिर ऐसा व्हाइट सॉस में बन के आएगी आपको। उसका रेडी बता। मतलब ये पूरा ग्रिल करके इसके ऊपर क्या डालते हैं? फ्रेश क्रीम डालते हैं। फ्रेश क्रीम जाएगा, बटर जाएगा, सब सॉस बन के पूरा है ना, ये मैरिनेट होके आएगा आपको। ये आपको आएगी 120 रुपीस। 120 रुपीस में तो कितने पीस आएंगे इसके? 120 रुपीस में आपको ये 4 पीस आएंगे। 4 पीस आएंगे 120 रुपीस में। मतलब किसी को ग्रिल खाने का मन हो तो 120 रुपीस में मलाई बोटी 4 पीस खा सकते हैं। अपने पास भजिया है, कांदे का भजिया है, वेज में भी ऑप्शन है, कांदे का भजिया है, मिर्ची का भजिया है, आलू का भजिया है। ये भजिया 300 रुपए किलो है।
30 रुपए का 100 ग्राम भी मिल जाएगा एक लूज में, मतलब मिल जाएगा लूज में भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये सब तो अपनी इफ्तारी के आइटम है, अपनी रेस्टोरेंट के बारे में कुछ खास बताओ। रेस्टोरेंट में अपने पास बहुत सारे ऑफर है, जैसे कि थाल के ऑफर है, हर चीज का ऑफर है अपने पास, और चाइनीज है, मुगलाई है, तंदूर है, बहुत सारे क्विजीन हम लोग सर्व करते हैं, डेजर्ट भी है, सब है अपने पास अवेलेबल, ऑल इन वन कॉन्सेप्ट है अपना, सारी चीजें मिल जाएंगी। दोनों रेस्टोरेंट का सेम ऑफर है कि दोनों का अलग अलग है? नहीं नहीं, अलग अलग है, यहाँ पे अलग चीज मिलेगी, वहाँ पे तुमको थोड़ी अलग, यहाँ पे नली नियारी मिलेगी, चिकन मटन का कीमा, चिकन का कीमा, चिकन अफगानी, चिकन अंगारा सब मिलेगा। यहाँ पे सबसे स्पेशल आइटम क्या है जो एकदम हॉट सेलिंग है? यहाँ पे सबसे हॉट सेलिंग आइटम है नवाबी थाल है, जो 1500 रुपीज का है, जो 4-5 persons को सर्व करता है, उसमें आपको डेजर्ट, सूप और सारी चीजें आ जाएगी, ग्रेवी भी आ जाएगा, राइस भी आ जाएगा, स्टार्टर भी आ जाएगा, सब अवेलेबल रहता है उसमें। तो ये कितने में तक पड़ेगा? पर ये पड़ जाता है 1500 रुपीज। 1500 में? और कितने लोग खा सकते हैं इसको? इसको 5 जन आराम से खा सकते हैं। 5 जन आराम से खा सकते हैं 1500, यानी 500 300 भी नहीं आया पर पर्सन में। दोस्त लोग निकाल के आओ, प्लान बनाओ और खाओ। मैं और आशीन तो दोस्त ही है पहले से, तो हम लोग खाते रह गए एक दूसरे। तो आशिम भाई, अपने को कभी तक मिलेगा इफ्तारी तक? इफ्तारी के बाद भी अपने को कुछ ये आपको मिल जाएगा शाम में 8:30-9 बजे तक। साढ़े आठ आइटम फिरनी मिलेगी क्या अपने को इफ्तारी में? फिरनी भी देख लो आप, 8:30-9 बजे भी मिल जाएगी आइटम अपने को। और ये फिरनी भी, फिरनी क्या प्राइस है भाई? भाई फिरनी 80 रुपीज की है, जोड़ी है, एक में दो आती है। 80 रुपीज में फिरनी आ जाएगी, जोड़ी एक में दो आएगी। ओके, ये अंजुमन इस्लाम स्कूल के एग्जैक्टली बाजू में जायका सेंट्रल इफ्तार काउंटर पे आओ, आशिम भाई के पास आओ, सही तो मेरा नाम ले लो। भाई का व्लॉग देख के कोई भी आएगा उसको डिस्काउंट, एक नंबर। कितना डिस्काउंट भाई? 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट, अभी मेरा तो मेमन कैलकुलेटर दिमाग चल रहा है तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम लोग सोच लो कि कितना हो जाएगा। तो फिरनी भी ले लेंगे। और कब तक फिरनी कब तक मिलेगी? रात तक मिलेगी? मालपुआ आपको रात तक हमेशा मिल जाएगी, सुबह 12:30 से रात के 12:30 तक फिरनी मिल जाएगी। तो आओ आशिम भाई के शॉप पे, सेंट्रल जायका पे, और आशिम भाई से मिलो और इफ्तारी खाओ, खूब दवा खाओ। ये देखो क्या मिला है लोगों को, आशिम भाई ने सामान दिया खाने का, देख सकते हो मुझे सामान। थैंक यू बोला कि नहीं? थैंक यू बोला, थैंक यू आशिम भाई, आशिम भाई थैंक यू सो मच मेरा भाई। आता इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर दुआ में आदर। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे फिर से फराज के पास में। फराज पे तो सब चीज़ देख लिए, पर इसके नीचे ये टाइगर 3 सलमान भाई यहाँ पे बैठे आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। दे दिया साद भाई। साद भाई बताओ आपके पास क्या क्या आइटम है इधर थर्मोकोल में, क्या खजाना छुपा के रखे हो? तो वही है, रोटी सोडा तो आने वाला है, नूरानी दूध है, दो आइटम है, वही बम्बे वाला ओरिजिनल नूरानी मिल्क, यही रोड की शान दही वड़ा, यही रोड की शान दही वड़ा, यहाँ का सबसे फेमस है, रमजान स्पेशल है दोनों, दोनों रमजान स्पेशल है नूरानी, ये ओरिजिनल वाली नूरानी है, अली रोड की, देखो टैग के साथ है, टैग के साथ में। तो नूरानी कितने में मिल जाएगी? फ्रूट कस्टर्ड, और ये फ्रूट कस्टर्ड दोनों नूरानी का, दोनों कितने में मिलेगा आपने? 60, 100, 70 इसमें कितने पीस दे बड़ा? 7-8 पीस दे बड़ा के 70 फिर यूज इट विद इन वन डे। और ये प्रॉपर अभी बहुत सी कॉपीज भी बन गई नूरानी की, जो नूरानी के नाम पे मसाला मिल्क बेच रहे, बट ओरिजिनल नूरानी नहीं रहता है ये, नूरानी बॉम्बे में है, जो आपने पिछली बार रमजान के ब्लॉग में देखे थे वो ओरिजिनल था, वही सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सात भाई ला के बिजनेस कर रहे हैं नूरानी का। और ये फ्रूट वाला कस्टर्ड ये कितने में पड़ेगा भाई? 100 बार मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डिस्काउंट है? अगर तुम्हारा नाम लेकर आ रहे हो तो मैं दे दूँ। नहीं, किसी पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए, मैं नहीं मानता। मेरा नाम लेकर आ रहे हो तो फिलहाल मेरे को 2 बोतल नूरानी दे दो, मेरे को भी डिस्काउंट दे दो। ओके डन, खुश देखो नूरानी मिल जाए। नूरानी से थी ना? yes. बता नूरानी के बारे में, तेरी तो फेवरेट है ना? गाइस मेरी फेवरेट है नूरानी मिल्क, और गाइस आप भी आके पियो नूरानी मिल्क, और जो बॉम्बे का फेमस है नूरानी मिल्क मालपुआ फिरनी। क्या है इधर? नूरानी मिल्क मालपुआ फिरनी फेमस है बॉम्बे का। अच्छा मेरा ले लू ना? हाँ ले लू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।